गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्री फायर के दो तीन चार अपडेट्स जो आए हैं इसके बारे में। तो ज़्यादा मत को लमाने करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको चैनल सब्सक्राइब करने लायक लगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स टिप्स एंड ट्रिक्स होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो गाइस सबसे पहले बात चले यहाँ पर हम लोग के स्टोर पे। तो स्टोर पे आप देख पे है कि यहाँ पर जो हम लोग का स्केटिंग बोर्ड है उसका वो रोल आउट हो चुका है और वहाँ पर हम लोग को स्टोर में अवेलेबल हो गया है। गाइस आपको बता दें कि मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने स्केटिंग बोर्ड का मतलब इस स्केटिंग बोर्ड को कवर किया था, और उससे दो दिन पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने स्केटिंग बोर्ड के बारे में बताया था। लेकिन इस बात का जो जिक्र है, इस बात का न्यूज़ जो है किसी भी यूट्यूबर से नहीं दिया था। मैं मतलब हम लोगों के सामने आ जाता है ना कितना यूट्यूबर्स कौन कौन टाइप के वीडियो बनाता है, तो मैंने स्केटिंग बोर्ड का चर्चा किसी भी यूट्यूबर के मुझसे नहीं सुना, किसी भी यूट्यूबर्स ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। बट मैंने इस चीज़ को नोटिस किया था और मैंने इस न्यूज़ को कवर भी किया था कि भाई यहाँ पर जो हम लोग की स्केटिंग बोर्ड है वो मेल और फीमेल में आ जाएगा, जिसका जो डायमंड भी मैंने बताया था 699 डायमंड में आएगा। अगर आप दोनों लेते हैं तो 30% का आपको डिस्काउंट मिलेगा और यहाँ पर स्केटिंग बोर्ड आएगा। और मैंने कल भी बताया था, उससे पहले भी बताया था, तो कुछ लोग शायद लगा था कि ये फेक न्यूज़ दिया, क्योंकि वो कुछ लोगों ने कमेंट में बता भी देता है ना कि ये फेक है, ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैंने इसी को बताया था, तो आप लोग देख पा रहे कि ये रियली में यहाँ पर आ चुका है और इसका जो डायमंड है 699 डायमंड है मेल और फीमेल दोनों का करेक्टर लेके। तो गाइस एक बात बता दें कि यहाँ पर 699 डायमंड जो है कुछ खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको दो बंडल भी मिलता है। अगर आप सोच रहे तो आपको दो करेक्टर भी मिलता है यहाँ पर, दो बंडल भी मिलता है और साथ में आपको स्केटिंग बोर्ड भी देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इसका जो डायमंड 699 डायमंड कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक बंडल लेने में एक बंडल लेने में 1200-1300-1500-1600 डायमंड देना पड़ता है। तो मतलब कोई खास नहीं है, ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हम लोग को स्केटिंग बोर्ड भी मिल जाती है, तो ये मतलब बहुत ही स्केटिंग शू है हालांकि, लेकिन बट लिखा गया था स्केटिंग बोर्ड ही लिखा गया था, तो मतलब ये भी चीज़ बहुत ही अच्छा खासा है। उसको तो बात कर नेक्स्ट अपडेट की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे कि हम लोगों को इवेंट जो है वो एड वाला इवेंट हम लोगों का वो ख़त्म होने वाला था, यानी 27 तारीख को ख़त्म होने वाला था। बट इस चीज़ को हटाया नहीं गया है, इसे बढ़ा दिया गया है। पहले जो हम लोग ऐड मिलता था, पहले तो सबसे पहले तो हम लोगों को 10 मिलता था, उसका 20 किया गया, बट अब जो है 30 कर दिया गया है। बट डायमंड की संख्या की बात कर ले तो डायमंड हम लोग फर्स्ट में 10 मिलता था, उसके बाद 11 किया, बट अभी 15 किया, तो 4 डायमंड को बढ़ाया गया, तो ये भी अच्छी वाली बात है। बट यहाँ पर मेरे ख्याल से मेरा थिंक कहता है कि यहाँ पर हम लोग कम से कम 30 वीडियो देखने का, यहाँ पर 20 डायमंड हम लोग को एवरीडे मिलना चाहिए। तो 15 डायमंड मिलेगा तो कुछ मतलब कम नहीं है, 15 डायमंड अगर एवरीडे मिलता है तो भी ठीक ठाक ही है। पहले 11 मिलता था, उसके बाद तो मतलब यहाँ 15 कर दिया, तो मतलब एवरीडे 15 डायमंड यानी कि दो दिन में 30 डायमंड, तो कुछ तो इजाफा किया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद आया। बट यहाँ पर अगर 20 डायमंड कर देता तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता। उसके बाद नेक्स्ट बात कर ले, यहाँ पर आप देख पा रहे कि इन सब चीज़ को यहाँ पर ये पहले नहीं था, बट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया टॉप ऑफ एंड गेट वोकुंग। तो ये था मतलब बहुत पहले से इवेंट चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर आप एक डायमंड का टॉप अप करते हैं तो यहाँ पर आपको ओकुंग बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो पहले ये इवेंट सेक्शन में नहीं दिख रहा था, बट यहाँ पर दिखने लगा। उसके बाद बैंडी और अकाउंट एंड गेट डायमंड रॉयल वाउचर एंड गोल्ड रॉयल वाउचर, तो ये चीज़ तो मतलब शुरू से ही सबको मिल जाता है फेसबुक के साथ लॉग इन करने से। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, उसको फ्री करेक्टर इस चीज़ को भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो इन सब चीज़ को अपडेट्स कर दिया गया रात में, और आप लोगों के साथ इसी बात को शेयर करना था। और गाइस एक बात बता दें कि अगर आप लोगों को थोड़ा हवा का साउंड ज़्यादा आ रहा है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है तेज, इसलिए हो सकता है हवा का साउंड आप लोगों को मिलता होगा बैकग्राउंड में। तो आज के वीडियो में इतना सही, आप मुझे कमेंट पर बताइए कि आपको जो ये न्यू स्केटिंग बोर्ड है ये आपको कैसा लगा और कितने से पर्सन है जो इस चीज़ को लेना चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।